आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा सीक्रेट तरीका जो रेस्टोरेंट में बनाया जाता है छोलों को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो अगर आप इस रेसिपी को जानना चाहते हो तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैंने कई सारे सीक्रेट शेयर किए हैं जिससे जो छोले हैं वो बहुत ही अल्टीमेट और लाजवाब बनते हैं। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतीक्षा किचन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम देखने जा रहे हैं रेसिपी दिल्ली के फेमस छोले। तो छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छोले लिए थे, इसे काबुली चने भी कहा जाता है। इसे मैंने 8 से 10 घंटे के लिए सोक करके रखा था और सोक करने के बाद में ये जो छोले हैं ये बन चुके हैं। छोले बॉईल करते समय यहाँ पे हमें ऐड करना है आंवला। अगर आपके पास आंवला अवेलेबल ना हो तो आप छोले बॉईल करते समय उसमें एक टी बैग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। टी बैग आपको छोले बॉईल करते समय कुकर में ऐड करनी है और इसी के साथ हमें नमक डालना है और छोले जो है वो तेज आंच पे हमें एक सीटी आने तक और 6 सीटी आने तक धीमी आंच पे बॉईल करने हैं। तो ये छोले जो है वो इस तरीके से बॉईल होने चाहिए। ये आसानी से हमारी उंगली से जो है दब सकते हैं, इतने हमें छोले बॉईल करने हैं, इसे कड़क नहीं रखना है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, 2 बड़ी साइज की प्याज, अनारदाना। अगर फ्रेश अनार नहीं हो तो मार्केट में आसानी से अनार के दाने मिल जाते हैं, वो भी आप खरीद के ले सकते हो ड्राइड। इसके बाद चना या फिर छोले मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च, टमाटर और यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, इसी के साथ लौंग और काली मिर्च। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो बड़े बड़े आकार में कट करके ली थी, इसे हम ऐड कर देंगे और इसी के साथ जो मैंने 2 चम्मच अनार के दाने लिए थे इसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्सी से पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और जो हमने प्याज और अनार के दाने लिए थे उसे भी हमने पीस लिया है। अभी तेल गरम होने के बाद में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। अब जो हमने मसाला पीस लिया था इसकी पेस्ट हम डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले अच्छी तरीके से भूनना बहुत आवश्यक है। अगर मसाले कच्चे रह जाते हैं तो उसका स्वाद जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए ब्राउन होने तक मैंने प्याज और अनार के दाने का जो पेस्ट बनाया था इसे भून लिया है। प्याज अच्छी तरीके से भूनने के बाद में अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, चना मसाला। अगर आपके पास छोले मसाला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ मैंने ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च। तीखा पसंद करते हो तो आपके स्वादानुसार यहाँ पे मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ मैंने ऐड किया है जीरा पाउडर। हमने 3 टोमेटो लिए थे उसकी प्यूरी बना ली है और अब मैंने तेल में इसे ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल रिलीज ना हो। अब मैं इसे ढक के थोड़ी देर के लिए कुक करूंगी। लगभग 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे इसे कुक होने में। पाँच मिनट बाद अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि इसके अंदर जो है बिल्कुल भी कच्चा स्वाद ना रहे। रेस्टोरेंट में या फिर ढाबे पे हम जो भी सब्जियां खाते हैं
वो स्वादिष्ट इसी वजह से बनती है क्योंकि वो मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी कच्चेपन का स्वाद ना रहे। तो अभी मैंने इसमें पानी ऐड किया है, आधी कटोरी मैंने पानी ऐड किया है छोटी। अब इसे मैं दोबारा से ढक के रखूंगी। दो से तीन मिनट होने के बाद में अभी आप देख सकते हो कि मसालों ने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए छोले। छोले अच्छी तरीके से बॉईल होना बहुत आवश्यक है। आप दो उंगलियों से उसे आसानी से दबा सकते हो, इतने हमने छोले उबालने हैं। अगर छोले कड़क रह जाते हैं तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके की टी बैग छोले बॉईल करते समय कुकर में डाल सकते हो, जिससे छोलों का कलर जो है वो गहरा आएगा। अगर आपके पास टी बैग भी अवेलेबल ना हो तो आप चाय पत्ती का पानी बॉईल करके उसे छान के भी छोले उबालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी वही स्वाद आएगा जो आप आंवला डालने पे छोलों में आएगा। अब इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर से कुक करने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। कोई भी सब्जी अगर आप बहुत अच्छे स्वाद की बनाना चाहते हो तो सब्जी बनाते समय आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसे कुक होने के लिए जितना समय आवश्यक होता है उतना समय ज़रूर दें। इससे सब्जी में स्वाद भी आएगा और मसाले अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया है और इसे मैं कुक करूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट होने के बाद में यहाँ पे ये कितने अच्छे तरीके से छोले हमारे जो है वो बन चुके हैं। खुशबू तो लाजवाब है ही, स्वाद भी इसका बहुत ही अल्टीमेट होगा, ऐसा मुझे यकीन है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।